चलिए दोस्तों गौर डालते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज के चौथे दिन के कुछ मुख्य बिंदु पर। फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट संगम पर। चौथा दिन का खेल खत्म हो चुका है। बांग्लादेश ने 513 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 विकेट खोकर 272 रन बना लिए। यह मैच जीतने के लिए बांग्लादेश को 241 रन की जरूरत है। वही टीम इंडिया को 4 विकेट लेने हैं। बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन 40 और मेहदी हसन मिराज 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। यह बांग्लादेश की आखिरी जोड़ी है जो बल्लेबाजी कर सकती है। इसके बाद गेंदबाजी को आना बाकी है। ऐसे में बांग्लादेश के जीतने की उम्मीद काफी कम लग रहा है। वहीं भारत को जीत के लिए इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी है। इसके बाद टीम इंडिया आसानी से मैच अपने नाम कर सकती है। आज के दिन भारत के लिए अक्षर पटेल ने 3 विकेट लिए। वहीं उमेश यादव, रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव को एक एक विकेट मिला। बांग्लादेश की तरफ से जाकिर हसन ने शतकीय पारी खेली और नाजमुल हसन सांतो ने 67 रन की बेहतरीन पारी खेली। मिलते हैं इसी तरह एक नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।